This is Radhika with the session number 5th of your chapter Work and Energy, and in this session we are going to discuss about transformation of energy. So guys, अभी हम यहाँ पे session number 5th discuss करने वाले हैं, जिसमें हम energy के transformation के बारे में study करेंगे. हमने law of conservation of energy में एक चीज discuss करी थी. क्या थी वो? That energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. हमने वाली चीज discuss करी थी, right? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एनर्जी का, वही हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो द थिंग इज दैट व्हाट डज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली मींस. एक्चुअली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. कोई भी एनर्जी की एक फॉर्म को किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. यही जो कन्वर्जन का फिनोमिनन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर? दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं, हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज होते हुए देखा है आपने, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होते हुए देखा होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज होते देखा होगा. तो ये जो एक एनर्जी दूसरी फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. आई रिपीट, दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. Actually, when an object is dropped from some height, its potential energy continuously converts into the kinetic energy. जब भी कोई object drop किया जाता है किसी भी height से, तो उसकी जो potential energy है वो continuously convert होती रहती है into the kinetic energy. Clear? That जब भी किसी भी object को किसी height से drop किया जाता है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है. दैट इज वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है काइनेटिक एनर्जी में, जबकि कोई भी एनर्जी ना तो वहां पे क्रिएट होती ना ही वहां पे डिस्ट्रॉय होती. दैट इज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको वो फुलफिल करती है. क्या थी हमारी लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन? दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ऑनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सेम, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा गिरता है किसी भी हाइट से, तो सिर्फ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, ना कि कोई भी एनर्जी क्रिएट होती और ना ही कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती. इज दैट क्लियर टू यू? दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी. And when an object is thrown upwards, its kinetic energy converts into the potential energy. और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होता है? तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअसली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहती है. दैट इज इस केस में भी ना कोई एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बस जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में. दैट इज यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं, और साथ में ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. क्लियर? दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. और भी एग्जांपल्स हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के, लाइक ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी यूजिंग सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने देखा है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्लियर, वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है. और वो जो फूड है वो कैसे प्रिपेयर होता है? यूजिंग सोलर एनर्जी. दैट इज सोलर एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद क्रिएट करते हैं जो कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है. तो जो सोलर एनर्जी से उसकी थ्रू क्या हुआ, जो फूड था वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया. तो ये क्या देखा आपने, यहाँ पे भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर? दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी यूजिंग सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड व्हेन वी थ्रो अ वॉल, जब हम किसी वॉल को थ्रो करते हैं, द मस्कुलर एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल. तो जो मस्कुलर एनर्जी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल. बॉल की काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है. इज दैट क्लियर?
that when we throw a ball, the muscular energy which is stored in our body gets converted into kinetic energy of the ball. Next thing is that the bound spring in the toy car possesses potential energy. तो बाउंड स्प्रिंग होती है किसी भी टॉय कार में, वो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती है. एंड एज द स्प्रिंग इज रिलीज्ड, इस पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू व्हिच टॉय कार मूव्स. और जैसे ही कोई भी स्प्रिंग रिलीज होती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से जो टॉय कार है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है. दैट इज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ना कि कोई भी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है या डिस्ट्रॉय हो गई. इज दैट क्लियर दैट द बाउंड स्प्रिंग इन द टॉय कार पजेसेस पोटेंशियल एनर्जी. As the spring is released, its potential energy changes into kinetic energy due to which toy car moves. Clear? And in a stretched bow, जो stretched bow रहता है, that is धनुष जो रहता है, potential energy stored रहता है क्योंकि जो इसकी string होती है उसमें potential energy stored रहती है. As it is released, जैसे ही हम उसे release करेंगे, the potential energy of the stretched bow gets converted into kinetic energy of the arrow which moves in the forward direction with large velocity. तो जो potential energy होती है stretched bow की, वो convert हो जाती है arrow की kinetic energy में, जिसकी वजह से वो forward direction में move करना start कर देता है with the large velocity. यहाँ पे क्या हुआ, जो potential energy थी वो kinetic energy में convert हो गई, और जिसकी वजह से जो arrow है वो move हुआ. समझ में आया? That in a stretched bow P is stored, and as it is released, the potential energy of the stretched bow gets converted into kinetic energy of arrow, which moves in the forward direction with large velocity. Actually, अभी हमने जितने भी examples देखे, वहाँ पे एक चीज normalize है देखना, वो क्या है कि जो energy है, वो एक form से दूसरी form में convert तो होती रहती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि energy conversion के time पे कोई भी problem हमें face करनी पड़े. That is जो एनर्जी है वो कन्वर्ट तो होगी, लेकिन एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है. क्लियर? अब बात आती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की. कुछ इंपोर्टेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनके थ्रू, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए देख सकते हैं. तो वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हम अभी उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दैट इज इलेक्ट्रिकल मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है, उसका हम मैकेनिकली वर्क परफॉर्म कराते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो ये क्या था, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन. सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर केस में एकदम अपोजिट होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. क्लियर? दैट इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम इंजन. इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी. स्टीम इंजन ऑब्वियसली क्लियर है बाय द नेम कि वो उसमें हीट एनर्जी स्टोर्ड रहती है. जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लियरली एक परफेक्ट वे में हो पाता है, और बिना किसी एनर्जी को क्रिएट करे या डिस्ट्रॉय करे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल हो जाता है. सेम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो वो भी क्या है, वो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ही है. ऑल्सो जो ड्राई सेल होते हैं, दे कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितने भी हमारे ड्राई सेल्स हैं वो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट रहती है उनमें, और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट आता है हमारा सोलर सेल. दे कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो सोलर सेल्स हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं,
और ये भी क्या होता है, ये भी एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है, ना कि कहीं क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, बस एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। नॉर्मली आप सोलर लाइट्स यूज करते हो, सोलर पैनल्स यूज करते हो, तो सोलर पैनल के थ्रू हम क्या कराते हैं, जो सनलाइट पावर होती है, सनलाइट एनर्जी होती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं ना। तो वहां पे हम इसका लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, दैट सोलर सेल्स कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक बम, इट कन्वर्ट्स एटॉमिक एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। जो एटॉमिक बम है वो क्या करते हैं, वो एटॉमिक एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, दैट एटॉमिक बम कन्वर्ट्स एटॉमिक एनर्जी इनटू हीट एंड द लाइट एनर्जी। देन आता है हमारा डायनेमो, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है डायनेमो क्या होता है और कैसे हम डायनेमो को एक बेटर वे में समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको वेरी सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। नॉर्मली आपने जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट पढ़े होंगे, विंड पावर प्लांट पढ़े होंगे, दैट इज विंड मिल हुए, जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट होंगे, जो भी हमारे न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं, ये सब आप 10th स्टैंडर्ड में सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में स्टडी करेंगे। बट द थिंग इज दैट ये जो प्लांट्स हैं, इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें एक मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। जो मैकेनिकल वर्क होता है वो क्या करता है, वो डायनेमो ही उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर, वहां पे हम डायनेमो का यूज क्लियरली देख पाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो, द डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल हीटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मली आप रूम हीटर्स यूज करते हो तो क्या होता है, ऑब्वियसली वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हीट एनर्जी में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल लैम्प होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज, इन अ फोटो शेल व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस। जो फोटो शेल रहती हैं उनमें किस टाइप का एनर्जी कन्वर्जेशन होता है, यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड, लेट्स चेक आउट। एक्चुअली इन सोलर सेल्स सन एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल्स में क्या होता है, जो सन एनर्जी है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, दैट इज कैसे बिना एनर्जी को क्रिएट करे और बिना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके साथ साथ हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में भी डिस्कस किया। आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।